आफ्टरनून। तो कैसे आप सब, आई होप सब ठीक ही होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं बाहर से स्टार्ट कर रही हूँ और देखो मैं किसको वहाँ पे वेट करवा रही हूँ। उसको मैंने बोला तू वहाँ पे वेट कर, क्योंकि मेरा आज कोई भी प्लान नहीं था ब्लॉग बनाने का। तो ऐसे मैं बाहर आ गई थी बस ऐसे घूमने के लिए थोड़ा। तो आज सभी को भी रमज़ान मुबारक। तो आज जैसे कि रमज़ान है तो मैंने सोचा कि मैं शोएब को एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहती हूँ, जो उसके लिए सरप्राइज़ है। उसको भी नहीं पता अभी। मैंने उसको बोला कि वहाँ पे वेट कर, मुझे भी अपना ब्लॉग स्टार्ट करना है, तो मैं थोड़ा साइड पे आ गई हूँ। तो इसके लिए मैं एक सरप्राइज़ लेना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा यूनिक है। एक मून है, वो हाफ मून होता है, बहुत ज़्यादा शाइन करता है। मैंने वैसे ऑनलाइन देखा हुआ है, लेकिन वो शायद ही जम्मू में मिलेगा। तो मैं अभी लोकल में तो घूम नहीं सकती हूँ वो एक चीज़ ढूंढने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि इसी के साथ मैं जाऊँगी वहाँ पे ढूंढने के लिए। जहाँ पे भी वो अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा ना, तो मैं वहाँ से वो लूँगी, लेकिन इसको नहीं बताऊँगी, इसको मैं बाहर वेट करवा लूँगी। तो चलो अभी चलते हैं, वो कब से वेट कर रहा है वहाँ पे। चलें क्या कर रहे हो? चलो ना, मैं लेट हो रहा हूँ, गर्मी है इतनी ज़्यादा यार। तो मैंने बोला ना वेट करो, ब्लॉग बना रही थी यार छोटा सा अपना। चलना कहाँ पे, चल चलते हैं आप, लेट हो गए। अच्छा, मुझे ना सिटी में जाना है, एक चीज़ लेनी है। साथ में चलोगे? हाँ चलूंगा, लेकिन लेट हो रहे हैं ना। तो चल यहाँ पे बाइक पे बैठ के बात करना, क्या करें, ब्लॉग बनाना बाइक पे बना ले। आजा, ठीक है, इतना गुस्सा नहीं किया करो। चलो अभी चलो गाइस, अभी निकलते हैं। क्या बोल रहे हो तुम? बोलो तो सही, चलना कहाँ पे, वहीं चलेंगे ना सीधा, एग्जैक्ट उस लोकेशन पे चलेंगे। तो मैं बताया जा रही हूँ ना, जहाँ जहाँ पे मैं बता रही हूँ तुम ऐसे चलते जाना कहाँ, चलो ना बताती हूँ। आज मैं इस पूरा जम्मू घूम लिया, लेकिन वो शॉप मिल ही नहीं रही है कहीं भी। अभी हम परेड आए हुए हैं और इसको मैंने ट्रैफिक में फंसा दिया। अभी कैसा लग रहा है ट्रैफिक में घुस के, कैसा लग रहा है? ट्रैफिक में तो ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे तेरा समझ नहीं आ रहा, तूने करना क्या चाहती है? यार मुझे वो चीज़ चाहिए, मेरे को चाहिए बस। पूरे जम्मू घूम लिया, मिल ही नहीं रही। अभी यही बचा हुआ परेड वाली सिटी, इधर भी देख लेते हैं, क्या पता मिल जाए। कौन सा तालाब, पता नहीं कौन सा तालाब बोला तुमने, मेरे को समझ नहीं आई, मुझे लगा परेड है। चलो देखते हैं अगर यहाँ पे शॉप मिलती है तो। 2000 years later, पूरी सिटी घूम ली पैदल चल चल के, लेकिन वो चांद नहीं मिला यार अभी तक। क्या ही बोलूं, वो सच में ईद का चांद हो गया यार, मिल ही नहीं रहा है इस टाइम पे। अब क्या करूँ, पैदल घूम घूम के ना सच में पाँव में ही दर्द होने लगी है। अभी शोएब तो गया, उसने बाइक पता नहीं कहाँ पे लगाई थी, बाइक लेने के लिए गया हुआ वो। एक तो उसने रोज़ा रखा हुआ, ऊपर से मैं उसको पैदल चला रही हूँ, वो भी इतनी धूप में, यार ऐसा करना नहीं चाहिए। बट क्या करूँ यार, मिल ही नहीं रहा। अभी वो बाइक लेने गया हुआ, चलो बाइक लेके अभी इस साइड थोड़ा सा जाते हैं, क्या पता यहाँ पे मिल जाए, देखते हैं। अभी हार नहीं माननी चाहिए यार, मिल जाएगा, पक्का मिलेगा। वो भी पता नहीं कहाँ रह गया शोएब, बाइक लेके भी आता होगा। तो फिर निकलते हैं, ढूंढते हैं थोड़ा सा और, ढूंढ लेते हैं। आ गया ये, कैसा लग रहा है पैदल चल चल के? पैदल चल चल के तो थक गए हैं। पिछली मार्केट तो पूरी घूम ली, इस साइड चलें अब। हाँ चलो चलो चलते हैं। वहाँ डेकोरेशन की चीज़ें होती है ना, जो ईद के लिए होती है। मेरा मन कर रहा था घर लेके जाऊँ यार, अच्छी लगती है ना, रमजान है तो, है ना। आजा चलो फिर ये वाली मार्केट भी घूम लेते हैं। चलो फाइनली हमें ये एक शॉप मिल गई है, इस पर पूछ लेते हैं क्या पता मिल जाए। तुम बाहर वेट करोगे? यार पता नहीं श्वेता, तेरा समझ नहीं आ रहा। तुम बाहर वेट कर लो ना, मैं तो लेके आती हूँ, जल्दी से आऊंगी मैं, ठीक है? यहाँ बाहर वेट करना। चलो तो वो तो बाहर वेट कर रहा है। जो मून हमने सोचा हुआ था वो तो मुझे मिला नहीं, फिलहाल ये एक मिल गया, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और ये फ्रेम भी है, अब इनमें से देखते हैं कौन सा वाला अच्छा लग रहा है, वही लेते हैं। अभी ये वाली पेंटिंग हम लेते हैं और इसको अभी पैक करवाते हैं। भैया इसको पैक कर देना, इसको कर दो पैक। हाँ भैया अभी पैक कर रहे हैं इसको, थैंक यू। चलो आई होप अच्छा लगेगा उसको। आ जाओ, तुमने नहीं लेना कुछ भी? तुमने नहीं लेना? मैं तो ले रहा हूँ, तुमने क्या लिया पहले तुम तो बोलो। लिया कुछ बताऊंगी, इतनी जल्दी भी गया है। चलो फिर चलते हैं, से पहले तुमने कुछ नहीं लेना? हाँ मेरे को वहाँ से एक टोपी लेनी है। कहाँ से? ये देखो यार, पीछे टोपी लगी, टोपी लगी अच्छी सी। गोल वाली अच्छी लगेगी? हाँ, कलर कलर ब्राउन ले। हाँ मेरे को कलर पसंद नहीं आया ये। हाँ, ब्राउन तो ये करो, करो करो तो ट्राई करो। ये इधर देखना, ये अच्छी है उन सब से। मुझे लग रहा है ये यूनिक है इन सब से। डार्क कलर सूट करता है तुम पे, डार्क कलर सूट करता है तुम पे, क्योंकि तुम गोरे हो। हाँ, ये
कलर अच्छा है। अभी शॉपिंग करके हम यहाँ पहुँच चुके हैं जेडीए पार्क, जो कि इसको पसंद नहीं है, लेकिन इसके अलावा और कोई जगह नहीं है जहाँ पे शांति मिले। तो चले, तुम्हारा मन है अंदर जाने का? हाँ, जहाँ पे बात हो पाए प्रॉपर, वो तो यहीं पे हो पाएगी ना। तो अभी अंदर चलते हैं यहाँ से, क्योंकि अंदर शांति है। मेरा फोन ही लेट हो गया। क्या बना रहे हो? बिहाइंड द सीन जो सारे बोलते दिखाना चाहिए। अब तुम्हारा फोन डेड हो गया, व्लॉगिंग कब स्टार्ट होगी? अब व्लॉगिंग कब स्टार्ट हो जाएगी? ये देख, पावर बैंक लगाया हुआ, साथ में लीड भी लाई एक्स्ट्रा घर से, ताकि ये फोन चार्ज हो जाए थोड़ा। तो अब इसको चार्ज करेंगे थोड़ा सा। गोप्रो इधर रखा हुआ है, अभी जब हम यहाँ पे आते हैं, मतलब जहाँ पे बैठते हैं कहीं, वहाँ फिर मैं फोन से व्लॉग बनाता हूँ, ऐसे गोप्रो यूज करता हूँ। सच में रखा हुआ है रोजा? हाँ, सच में रखा हुआ है। कैसे रखा? सुबह उठा था, ऐसे मन था, और सारे दोस्त वगैरह उठे हुए थे ना मॉर्निंग में, तो मन करता है फिर रखने का। मतलब तुम जब स्टार्टिंग में मिले थे तब नहीं शायद से रखते थे, है ना? तब नहीं रखता था, तभी मेरे को भी ट्रस्ट नहीं हो रहा, सच में रखा हुआ तुमने? मतलब तब ये होता था ना कि ऐसे, बट मेरे को बुरा लग रहा है कि तुम्हें इतना घुमाया मैंने, वो भी धूप में, हालत खराब हो जाती है। अरे होंठ तो लग रहे होंगे थोड़े थोड़े ऐसे सूखे से। इसका वेट करते हैं, इसका फोन अभी चार्ज हो रहा है, फिर फोन चार्ज होने के बाद, फोन चार्ज होने के बाद मिलते हैं। आस्ता आस्ता हो जाएगा। चलो फोन चार्ज होने का वेट करते हैं। अभी हुआ फोन चार्ज तुम्हारा? वो तो गया, बाल वगैरह ठीक कर रहा हूँ, छोटे कर दिए ना बहुत ज्यादा। अच्छे लग रहे हो छोटे बालों में, अच्छे और बच्चे लग रहे हो अभी। मैं चाहता हूँ मैं बच्चा ही लगूं, मैं कौन सा बहुत बड़ा हूँ। तो पहले लगते थे ना? हाँ, लोग बोलते भी है मेंटेनेंस और केयर, आप अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं देते। हाँ, लोग बोलते ग्रूमिंग पे ध्यान दो, अच्छे लगोगे। चलो भैया, अब हम अपना व्लॉग बनाते हैं। अरे फाइनली हम आ गए हैं श्वेता के पास, इसमें जो सरप्राइज देना है, पता नहीं क्या लिया हुआ है, मतलब मैं एक्साइटेड भी बहुत हूँ इस चीज को लेके। तो अब क्या होने वाला है वो उसी को पता है। नहीं लगता ना, तुम चेक करो ये, ये लो। मैं करूँ चेक? तो गिफ्ट किसका है? अच्छा ठीक है, तो अभी करते हैं चेक इसने क्या दिया। तुम्हारा वाला है, कैमरा पकड़ती हूँ मैं, पकड़ो। वैसे मुझे तो ये लग रही है पेंटिंग है। सच में मेरा सच भी सच निकला इस पे, तो मेरे को पेंटिंग बहुत ज्यादा प्यारी लगी, मैं अपने रूम में इसको लगा दूंगा। मुझे लगा था कि जो मैं चीज सोच रही थी वो तुम्हें ज्यादा पसंद आएगी, लेकिन वो मिली ही नहीं। क्या, कौन सी चीज? वो मून था। मून? जो मून होता है ना, हाफ मून होता है, वो शाइन करता है बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, जिसमें अंदर लाइट वगैरह होती है। हाँ। अच्छा, तो क्योंकि आज तुमने ही शायद से बताया था कि आज छोटी ईद होती है, इसको चांद को देख के सेलिब्रेट करते हैं। हाँ हाँ। इसलिए मैं चांद देने का सोच रही थी। 30 रोजों के बाद आएगी, लेकिन हाँ मुझे इस चीज की तो बड़ी खुशी है। उस दिन तो चांद दे देना वो मेरे को, आधा वाला। हाँ? वो तो पक्का, क्योंकि ऑनलाइन मिलता, ऑनलाइन देखा वो, मुझे लगा कि ऐसे भी जम्मू में मिल जाएगा, तभी तो पूरी सिटी घूमी, मिला ही नहीं कहीं पे। इसने तो थका दिया मुझे, देखो रोजे से पूरे ना मतलब होंठ सूख गए हैं, उसके लिए सॉरी। सॉरी, चलो, बट थैंक यू सो मच फॉर दैट गिफ्ट। खुशी भी है कि मतलब श्वेता ने मेरे को दिया, मतलब मेन चीज है कि श्वेता ने दिया। और मुझे ज्यादा खुशी है, क्योंकि जैसे तुम मेरे साथ चलते थे ना, हर जगह मंदिर में चले जाते थे। हाँ। तो आज मैंने सोचा कि आज तुम्हारे लिए भी बहुत बड़ा ये दिन है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ फिर। हाँ। तुम मुझे बस ये बताओ कि अच्छा लगा ना सरप्राइज? मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, इसलिए मेरा ना इमोशनल होकर ये चीजें बोलने का मन कर रहा है कि सारे जो रिलीजन के लोग है ना, भाई भाई। मैंने श्वेत को गिफ्ट दे दिया है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया, जैसे कि आप देख सकते हो वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो अभी आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।